अभी पूरे देश में कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद हैं और सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। फिर भी आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं बेड़ों के स्कूल का है, जहां बिना कोई गाइडलाइन के, बिना मास्क और बिना सैनिटाइज़र किए हुए बच्चे एक दूसरे से सट कर बैठे हैं। इनके पास न तो कोई मास्क है और न ही सैनिटाइज़र की व्यवस्था, और क्लासें चालू हैं। जी हाँ, ये है बेड़ो कॉलेज का लिटिल एंजल स्कूल, जहाँ 7 से 10 तक बच्चों को ट्यूशन के नाम पर बुलाकर स्कूल संचालित किया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि बाहर दरवाजे पे गेट लगा दिया जाता है, ताकि आने जाने वाले लोगों को कुछ भी पता ना चले। जब इसकी पड़ताल हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने की, तब उन्हें पता चला कि स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं और अभिभावक भी बेरोक ठोक आते हैं। अभिभावक जो छोड़ रहे हैं, उनके पास न मास्क है और न उनके बच्चे के पास मास्क। किस प्रकार से ये क्लासेस चल रही हैं और पूरे सरकार को धत्ता बता रही है, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इसकी पड़ताल की और इसकी बात जब वहाँ के प्रशासन से की, तब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेने की बात कही। लेकिन मैं यह अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभिभावक सचेत हो जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी किसी को देख के नहीं आता, और इस महामारी में अगर बचाव करना है तो डिस्टेंस को मेंटेन करना है, मुंह पे मास्क लगाना है। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? क्या ये चार जो साथ में बैठे हुए हैं, तो दूरी के बारे में कुछ मेंटेन के बारे में मालूम है? सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है और कुछ प्रचार कर रही है, और खतरा होता है, कुछ मालूम है? नहीं मालूम, मालूम है तो फिर क्यों इतना डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रही हो? कुछ मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है। इधर कुछ बच्चे लोग क्या आप जानते हैं कि अभी अभी के समय में गैदरिंग करना खास करके छोटे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है? जी हाँ, हमारे यहाँ अभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिला है। आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल बेड़ो, सरकार लाख कोशिश कर ले कि स्कूल को बंद किया जा रहा है बच्चे की देखभाल के लिए, लेकिन यहाँ पे बेड़ो में ऐसा कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। ये लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल बेड़ो के प्रिंसिपल हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, नहीं कर रहे हैं हम आप, खाली ट्यूशन ट्यूशन ऐसे चलता है, स्कूल में ट्यूशन चलता है, ये पेरेंट्स का रिक्वेस्ट है, इसलिए यंग बॉय आसपास को क्या ट्यूशन करवाना है अलावा सरकार को एडवाइजरी दी है आपको? स्कूल में बुला ट्यूशन की मदद कर रहा है एक घंटा के लिए, ट्यूशन करवाना एक घंटा में, क्या कोरोना नहीं फैलता है क्या? मदद कर रहा है एक, कितने बच्चे को आपने बताया कि कोरोना फैल रहा है इसलिए बताइए? केनेथ, क्या केनेथ, केनेथ केनेथ नाम है आपका? हाँ ठीक है, ये कौन सा स्कूल है? लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल, कोई सरकार की एडवाइजरी है कि आपको ट्यूशन पढ़ाना बुला करके? ऐसा नहीं है, नहीं है, आप अपने मन से कर रहे हैं। देखिए झारखंड सरकार लाख कोशिश कर ले, ये अपना मनमानी कर रहे हैं, अलग अलग ट्यूशन चल रहा है तो फिर स्कूल कब चलेगा? स्कूल कैसे चलाते हैं जब इतने बच्चे ट्यूशन में चल रहे हैं, तो स्कूल में कितने बच्चे आते हैं? वहीं जब इसकी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता ने उन स्कूल संचालकों से बात की जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं और अभी बंद किए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी शिक्षक स्कूल चला रहा है तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहा है, साथ ही सरकार की बातों की अवहेलना कर रहा है, और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की एडवाइजरी है, उसका पालन पूर्णतः करना चाहिए। और जैसा कि आपने कुछ फुटेज दिखाया, कुछ विद्यालय स्कूल गेट को बंद करके और अंदर में पूर्णतः विद्यालय को संचालित कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और पूर्णतः रूप से स्कूल को संचालित कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब ये कार्रवाई का तो शिक्षा विभाग या लोग समझेंगे, हमारे जो भी ओपिनियन था ये गलत कार्य है। SS+ हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं मेरे साथ में। सर
आज बेड़ो में जो खास करके 0 से 5 तक क्लास तक के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बच्चों को बुला करके बजाते ट्यूशन के नाम पे पूरा स्कूल चला रहे हैं, यहाँ कहाँ तक सही है सर? सर ये तो गलत बात है। सरकार का जो दिशा निर्देश है कि विशेष करके छोटे छोटे बच्चों 1 से 8 तक क्लास के लिए तो स्कूल आना नहीं है। ओम प्रकाश महतो जी हैं, ये संस्थापक हैं इस स्कूल के। क्या नाम हुआ इस स्कूल का सर? विद्यानिकेतन। सर आपने स्कूल नहीं खोला था, क्यों? सर जिस तरह का ये कोरोना महामारी चल रहा है इसको देखते हुए हमें लगता है कि हमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी क्या सरकार को ये एडवाइजरी दिया है कि आप स्कूल खोल कर रखें या फिर कुछ? नहीं, हम नहीं को अभी किसी क्या स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने का अलाउ है? बिल्कुल नहीं। और जो आप ही के लोग, जो आप ही के संस्था के, आप ही के जो सोसाइटी के लोग हैं, कुछ स्कूल हैं जो खोल करके रखे हैं बच्चों को, रखे रहे हैं, वो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक शिक्षा विभाग में होने के नाते साथ ही साथ इतने जिम्मेवारी के पद पर वो हैं, उनको इस महामारी को इतना फिक्र में नहीं लेना चाहिए। स्कूल खोलना बिल्कुल गलत है। जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आता है हम लोग अपने तरीके से स्कूल नहीं चला सकते। धन्यवाद। तो सरकार के मतलब एडवाइजरी के अनुसार से जो है बहुत ही ख़राब है, और कम से कम छोटे बच्चे को तो एकदम स्कूल आना ही नहीं है, घर से निकलना नहीं है, इसलिए कि वो उसको पर ज़्यादा खतरा है। इसलिए हमारे विचार से स्कूल छोटे छोटे बच्चे को नहीं आना चाहिए। आइए थोड़ा सा इधर आइए। क्या बात हुई है किरण, तुम क्या भी पढ़ रही हो? मैथ पढ़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तुम लोग मालूम है? देखिए अभी तक तो सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, ना ही कोचिंग के लिए ना ही स्कूल के लिए। और जिस तरह का कोविड 19 जिस तरह से फैल रहा है तो छोटे बच्चों में ज़्यादा रिस्क है, इसलिए अगर जब तक सरकार का एडवाइजरी नहीं आता है तब तक तो इसको खोला जाना एकदम गैरकानूनी है। देखिए इसका बारे में हम लोग को कोई नॉलेज नहीं था, कोई जानकारी किसी ने दिया नहीं था, और आप अभी भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से भी आदेश है, गाइडलाइंस है सरकार का कि अभी कोई भी स्कूल खोल के चलेगा नहीं। और अगर इस तरह का शिकायत है तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बेड़ो को तुरंत इसको इसके लिए ये करता हूँ कि इसको जांच कराया जाए, और सही मायने में अगर सरकार के गाइडलाइंस का नॉर्म्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तो इस स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर उचित कार्रवाई। अगर ऐसी सूचना है और आप जो बता रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, और जांच के लिए हम किसी पदाधिकारी को यहाँ से भेज रहे हैं। सरकार का कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट है कि अभी स्कूलों को ना खोला जाए, और अगर स्कूल को कोई खोल रहा है उसकी जांच कराएंगे हम, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी कार्रवाई करेंगे। और सर वहाँ लगभग जो बच्चे हैं 5 से 7 साल के अंदर ही है? नहीं, इमीडिएट हम टीम गठित करके अभी जांच के लिए हम भेज।